सर्जन भैया से जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है रोड शो में। बोकारो में मतलब काफी ज्यादा क्राउड होने वाला है इस रोड, इस बार कितना बेस लगने वाला है बोकारो क्षेत्र में। अपना ही घर में बोला जाए तो आप लोगों को बीच में 19 तारीख को आ रहे हैं हम लोग अपना पूरा टीम के साथ। इसका रे आपका कैमरा में नहीं पड़ना चाहिए। करीब 15-16 किलोमीटर का हम लोग का जो शोभ यात्रा है, जो बड़ा सेटअप देखते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हमारा नाम है रूप रंजन, आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल रूप रंजन ब्लॉग। तो चले दोस्तों, आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में कि जो रोड शो होने वाला है 19 तारीख को डीजे सर्जन भैया की तरफ से, वो डीजे रोड शो जो है अभी मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक होने वाला है और क्या कुछ अपडेट होने वाला है इस वीडियो में आप लोग को सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ऐसा सीन हो गया है कि यहाँ सर्जन भैया भी आए हुए हैं वो चीज़ के लिए कि रोड का साइज देखना है और ऊपर क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा, चौड़ाई क्या रहेगा, वो चीज़ के लिए जो सर्जन भैया यहाँ पे आए हुए हैं विजिट करने के लिए बोकारो। उसके बाद जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा सर्जन भैया क्या कुछ बोलते हैं इस वीडियो में, सारा कुछ आप लोग से शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। इसमें क्या होगा, जब भी मेरा से लेटेस्ट वीडियो आएगा दोस्तों आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाइएगा। तो अभी देख सकते हैं हम जैसे कि यहाँ पे है बोकारो जो है गणेश पूजा मजदूर मैदान वाला फील्ड में कमेटी मेंबर की ओर से जो ये आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना कोई विलंब किए हुए शुरू करते हैं। तो अभी देख सकते हैं सर्जन भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी हम लोग सर्जन भैया से जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है रोड शो में, क्या कुछ चीज़ का जो है ध्यान रखते हुए हम लोग को सबको जो है सर्जन भैया को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसी उसके हिसाब से जो है रोड शो मतलब सक्सेस हो पाएगा। अगर हम लोग ही मतलब सर्जन भैया को सपोर्ट ना करें तो फिर मतलब रोड शो जो होने वाला है वो मतलब हम लोग अगर सपोर्ट ना करें तो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को भी मतलब सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और बोकारो में मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने वाला है इस रोड शो को लेकर के, क्योंकि हरिद्वार यूपी से भी बहुत सारे जो है हमारे ब्लॉगर और जो देखने वाले हैं सर्जन भैया को जो चाहने वाले हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में अपडेट मिलेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बना रहिए लास्ट तक। आनंद भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे मैम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग हाई कर दीजिएगा। मैं ऋतु रानी सिंह, हाय, आप लोगों को शुभकामनाएं, अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़े। बाकी आप लोगों को हम लोग अपडेट दिए थे एक वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे सर्जन भैया का रोड शो होने वाला है, हरिद्वार के बाद सेकेंड ये सबसे बड़ा रोड शो होने वाला है और बोकारो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सर्जन भैया। तो चलिए कुछ कुछ सवाल रहेगा और भैया जी बताएंगे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं किस तरह का आपको लग रहा है। भैया जी सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जो भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं, और धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया को जिन्होंने हमें एक मौका दिए। मतलब है तो हम बोकारो के ही, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, खुद ही बोकारो है तो अभी तक बोकारो में ही काम करते हुए आए हैं। लेकिन बोकारो में जैसे आप लोग बड़ा सेटअप देखते हैं जो एक रेगुलर चलता है, उसमें से थोड़ा सा जो बड़ा सेटअप देखते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा। और मतलब 19 तारीख को है ये मेरे ख्याल से, 19 तारीख को ना, हाँ 19 तारीख को है। थोड़ा सा टाइमिंग आप थोड़ा सा बता दीजिए। 19 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम है कि 1 से 1.30 बजे तक हम लोग यहाँ सिटी से मजदूर मैदान सेक्टर 4 से निकलेंगे और शाम 6 बजे तक टारगेट रखे हैं कि 4 से गरगा पुल पहुँचे और सारा शो चलते चले। कई टाइम को हम लोग फॉलो करें तो लंबा हम लोग का रास्ता है और सफ़र भी लंबा है, करीब 15-16 किलोमीटर का हम लोग का जो शोभ यात्रा है, तो उसको देखते हुए समय पहले लिए हुए हर जगह मूवमेंट है। घूमते हुए बोकारो सिटी सेंटर, बोकारो मॉल, जयजन पेट्रोल पंप, नटखट स्विच होते हुए फिर हम लोग आएंगे नया मोड़, 12 मोड़, फिर 4 पुल पहुँचेंगे और उसका जुराडी मोड़ सोलागिटी तालाब में हम लोग। मतलब इसमें आप सबको और एक चीज़ कुछ चीज़ नोटिफाई करेंगे जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट पर हो रहा है तो जितने भी जन बाहर से आ रहे हैं कुछ चीज़ें जैसे भैया से हम बात करते हैं और भैया ने बताया शायद कुछ साइलेंट जोन रहेगा, हाँ कुछ हॉस्पिटल एरिया रहेगा, तो किसी समय अगर बंद रहता है तो कोई ऐसा एक्टिविटी ना करे जिससे हमारा जो यात्रा को कोई भी दिक्कत हो। और अपना जो भी नियम है, जो भी प्रशासन का नियम है, गाइडलाइंस है, जो भी हम लोग को मिला है उसके आधार पर ही काम करना है। अगर कहीं पर बंद होता है या कोई भी चीज़ होता है तो आप लोग अपना सही तरीका से जिस तरह से पहले आप लोग बर्ताव मतलब रहे हैं उसी हिसाब से रहिएगा, ताकि हम लोग आगे भी जाके और भी अलग अलग जगह में रोड शो दिखा सके। और एक चीज़ समय समय में आपको अनाउंसमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी पूरा कमेटी के दायरे में रहना होगा, जो भी नियम मिलेगा उसी के हिसाब से चलना होगा,
तो अगर रिपीट कर रहे हैं और एक चीज़ को लेज़र को लेके, तो जो भी कभी अगर लेज़र चलता है तो जो जो जानते हैं, मतलब बहुत जन को मैंने सामने धनबाद वाला में सामने से बोल रहे थे कि भैया आप थोड़ा सा बंद कर लीजिए कैमरा, कैमरा ख़राब हो जाएगा, दाग आ जाएगा। तो बहुत जन को लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, खुद मेरा भी हुआ था, खुद मेरा ही हुआ था। लेकिन उन लोग इतना उत्साह में उतना भी डूब मत जाइएगा, अपना सामान का भी महंगा महंगा फ़ोन है, फिर ये नहीं बोलिएगा कि हम नोटिफाई नहीं किए, क्यों, वो देखने के लिए सिर्फ है। आप उस चीज़ को देखिए, जिस समय लेज़र बंद रहेगा उस समय थोड़ा सा वीडियो ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं वीडियो, अगर इस एंगल में उसका रे पड़ रहा है तो आपको इस एंगल से साइड से लेना होगा या कुछ इस तरह से, इसका रे आपका कैमरा में नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जिस तरह से नियम है, क्योंकि शहर में है, फुल्ली टाउन में है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हम लोग को ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि काफ़ी लंबा रोड शो है, तो जो भी बाहर बाहर से आ रहे हैं ये सारा चीज़ खास करके ध्यान दीजिएगा, और जो सामने से भी आ रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। और भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे समर शहर को घूमते हुए जाएंगे तो शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स आएंगे, और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग साइलेंट साउंड सिस्टम को ड्रॉप करेंगे, तो उस जगह पैनिक नहीं होना है, थोड़ा वेट करना है, 10 मिनट 5 मिनट का ड्रॉप आउट, हल्ला भी नहीं करना है, जयकारा वगैरह कोई भी एक्चुअली हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट होते हैं, कुछ भी नहीं करना है। कुछ जैसे हम लोग का एयरपोर्ट एरिया से लेके गरगा ब्रिज हम लोग कम्प्लीटली साइलेंट जोन में जाएंगे, और चास में हम लोग एक जगह पे साइलेंट जोन जहाँ पे हमारा के मेमोरियल हॉस्पिटल है उस जगह पे साउंड ड्रॉप करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर कहीं बंद होता है तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, किसी को ऐसा कोई अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे हमारा यात्रा को दिक्कत हो, और आने वाला समय में इस तरह का रोड शो में आप लोग को दिक्कत हो, नहीं तो फिर आप लोग के पास भी जितने यूट्यूबर प्लस जितने व्यूअर्स है, नहीं तो क्या दिक्कत होगा कि आप लोग को ऐसा कोई भी रोड शो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग का जिस हिसाब से सपोर्ट जो बोले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबका सपोर्ट रहेगा तभी बड़ा रोड शो सफल हो पाता है, नहीं तो आप अलग अलग जगह हमारा रोड शो देख चुके हैं, किसी कारण दिक्कत होता है, प्रशासनिक दिक्कत होता है, पब्लिक दिक्कत होता है, तो ऐसा आप लोग कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे हम लोग को आगे जाके दिक्कत हो और आप लोग का मनोरंजन में खराब हो। और भैया जी लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इस बार कितना बेस लगने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट उसी का है। कमेंट के हिसाब से नहीं चला जाता है कभी भी कि कितना जितना ज़्यादा बेस लगा दें या कम लगा दें, ऐसे कुछ होता नहीं है। मेन बात है जैसे हम लोग का जगह मिलेगा, सबसे पहले आज अगर आए हैं 4-5 दिन पहले अगर आए तो सबसे पहले जो जो रूट में जो जाएगा हम लोग का एक ऐसा सेटअप लगाना है जिससे यातायात हम लोग को चलते समय कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल ना आए कि हम लोग को बीच में पूरा ट्रैफिक जाम करना पड़े या किसी ऐसी जगह जहाँ पर रुकावट आए और बहुत लंबा समय तक किसी प्रशासन मतलब प्रशासन को कोई दिक्कत आए। इसीलिए सेटअप उस हिसाब से लगेगा जो एक जितना ज़रूरत है क्राउड के हिसाब से, और अपना सबसे पहले सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि हाई टेंशन तार वगैरह बहुत सारा ऐसे वायर वगैरह है, तो सारा चीज़ को ध्यान देते हुए पेड़ पौधा जो भी लगा हुआ है वो सबको भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए, थोड़ा बहुत होगा तो उसको देखा जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन ये है कि हम लोग का जैसे चलते समय कोई ऐसा ना हो कि हम लोग कोई लंबा समय तक एक जगह में रुक जाए, तो उसी के आधार पर ही अपना सेटअप रहेगा। बाकी इतना है, नाम से अगर जानते हैं तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग का प्यार ही बहुत बहुत क्रेज होने वाला है। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और भैया एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये रोड शो देखने के लिए बहुत दूर दूर से कोई आ रहे हैं यूट्यूबर भाई लोग, बहुत कोई आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले उन लोग को भी धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट है हमारे लिए, और जो जो दूर दूर से आ रहे हैं, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके भी चैनल में आप लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं तो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि रहने उन्हें का जो भी व्यवस्था है, क्योंकि हमको कॉल मत कीजिएगा, आप लोग खुद ही जानते हैं कि इतना कॉल आता है, जो मैंने अपना व्हाट्सअप भी दिखा चुका हूँ, तो हमको कॉल ना करें, जो कॉन्टैक्ट में है वो मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई अगर कोई दिक्कत होगा, मेजर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं जिनके पास मेरे नंबर है, और जो जिनके जिनके चैनल जो यूट्यूबर को एक दूसरे से तो जानते ही है, जान परिचय है, तो उनको कांटेक्ट कीजिएगा कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ उनको उन लोग के थ्रू आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासी और आपके द्वारा जितने भी चैनल को देखने वाले उन सभी को मैं आग्रह करूँगा कि 19 तारीख को पप्पा का विदाई है, और इस भव्य विदाई समारोह में समस्त शहरवासियों जितने भी आपके चैनल के सब्सक्राइबर उन सभी को मैं आग्रह करूँगा कि वो 19 तारीख को आए, पप्पा को
नमन करें और उनके विदाई में शामिल होकर पुण्य का भागी बने। 19 तारीख को 1 बजे से सेक्टर 4 सिटी सेंटर में से ये यात्रा शुरू होगा, जो चास के जोधाडी मोड़ सोलागिड़ी तालाब में संपन्न होगा। जी धन्यवाद। थैंक यू भैया। धन्यवाद भैया आप लोग का बहुत ही अच्छा अपडेट देने के लिए। सिस्टम में मतलब डीजे में जो भी इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे ख्याल से सभी ने हरिद्वार का जो भी रोड शो था लगभग सबको ही ने देखे और वहाँ पर हमें सपोर्ट भी किए। तो इस बार अपना ही क्षेत्र में मतलब अपना ही बोकारो क्षेत्र में अपना ही घर में बोला जाए तो आप लोगों को बीच में 19 तारीख को आ रहे हैं हम लोग अपना पूरा टीम के साथ। और अभी यहाँ पर देखेंगे जैसे रास्ता कैसा है उसके हिसाब से अपना साउंड सिस्टम लगाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और अपने यूट्यूब चैनल में इसलिए नहीं छोड़े थे क्योंकि कुछ नियम होता है जिसके आधार पर ही हम सबको काम करना पड़ता है, उसी के लिए रुके हुए थे। और आज भैया से और जो भी टीम है भैया से सबसे मिल लेंगे, वो प्रोसेस अपना पूरा कर लेंगे और 19 तारीख को जिस हिसाब से जिस आधार पर जिस समय पर अपना रोड शो होगा वो सारा चीज़ अपना चैनल में भी बता देंगे और अभी जितना भी वीडियो बना रहे हैं उन लोग के थ्रू भी आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद। डीजे का अपना डीजे सार्जन। दोस्तों जैसे कि अभी सार्जन भैया जिस तरह की बताएं किस चीज़ को जो ध्यान में रखना है तो आप लोग को उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है क्योंकि ये बोकारो में दोस्तों इस तरह पहली बार जो है बिग रोड शो होने वाला है डीजे सार्जन भैया का। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह लेटेस्ट वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आता रहेगा और आप देख पाइएगा। तो उमेश भाई कैसा लगा वीडियो आप लोग को? भाई बहुत अच्छा लगा। और भाई लोग जितने भी ये वाला वीडियो देख रहे ऑडियंस आप लोग सभी को आइए हमारे बोकारो झारखंड और रोड शो को सपोर्ट करिए अच्छा से आप लोग। और जितने भी यूट्यूबर भाई देख रहे हैं आप लोग आ जाइएगा 19 तारीख को, भाई बहुत मजा आएगा क्योंकि बार बार ये वाला मौका नहीं मिलने वाला आपको। तो और आप लोग आइए और हम लोगों का जो बिग रोड शो होने वाला है बोकारो में उस पर आप लोग भी सम्मिलित होइए और अपना 100% दीजिए। बाकी आप लोगों को भाई के चैनल पे पूरा बिग रोड शो देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा कुछ का वीडियो मिलेगा इस चैनल पर आपको। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।